खुरुम जेरी दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चस्का ए जिंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ इम्फाल में। इस समय सुबह के 6 बजे हैं और मैं अपनी सुबह की सैर पर निकली हूँ। और रास्ते में जो भी छोटी मोटी चीज़ें इम्फाल के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, इम्फाल की सुबह के बारे में मुझे दिखाई पड़ेंगी, मैं उनको दर्ज करते हुए चलूँगी। और आप भी मेरे साथ चलिए और इम्फाल की इस खूबसूरत सी ठंडी सुबह के मज़े लीजिए। काफ़ी बड़ा ये कुकर है, कोई है नहीं यहाँ पर। इधर से चल के देखते हैं। अभी मुझे ज़रूरत है एक कप अदरक वाली चाय की, जो कि लगता है इस वाली शॉप में मिल जाएगी। तो चलिए इसमें चल के देखते हैं कि चाय मिलती है कि नहीं, और ये कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट में क्या मिल रहा है। डोनट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और फ्रिज में प्लास्टिक के कप्स में सिवई रखी हुई है, जबकि चाय यहाँ पर बन रही। ये यूसा के लोकल फूड है, बहुत फेमस है ये। और भले चिकन नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन ये सब यहाँ का बहुत जरूरी होता है। चिकन भी यहाँ खूब खाते हैं, चिकन और फिश। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इस वाले शॉप में क्या मिल रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक बड़ा सा कुकर यहाँ पर भी चढ़ा हुआ है और इस पे छोले बन रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? एक गर्मा गर्म चाय पी करके मैं वापस आ गई हूँ मेन सड़क पर और पहुंच गई हूँ ठीक कांगला फोर्ट के सामने। पुराने मणिपुर की राजधानी लंबे समय तक कांगला रही थी और ये बहुत ही ऐतिहासिक फोर्ट है, लेकिन इसमें जो विजिटिंग आवर्स हैं वो अभी शुरू नहीं हुए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि इसके अंदर जाने का विचार छोड़ करके अभी हमें ये इस इलाके का ही एक चक्कर लगा लेना चाहिए। आम तौर पर किलों के बाहर उनकी रक्षा के लिए खाइयाँ बनी होती हैं, तो वैसे ही खाई यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कांगला फोर्ट के सामने, जिसमें पानी भरा हुआ है और सामने इस समय सूर्योदय होने लग गया है, तो जिसकी परछाई इस पानी में भी पड़ रही है और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक ये फल का पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस पेवमेंट पर लगे हुए हैं। इसका मुझे नाम नहीं पता और इसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा यहाँ पर लगाया गया है, ये भी मुझे नहीं पता है। पर काफ़ी इंटरेस्टिंग एक नया फल मुझे दिखाई दिया, तो मैंने सोचा आपको दिखाते हुए अब यहाँ से आगे बढ़ती। अगर आपको इस फल के बारे में कुछ भी पता हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लग रही है कि ये इतने ज़्यादा यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरे के पूरे पेड़ जो है वो लदे हुए हैं इन फलों से। लेकिन इसके बारे में मैंने अभी तक जिससे भी पूछा उसने यही कहा कि उनको भी नहीं पता कि इस फल का क्या इस्तेमाल होता है या फिर इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको लगाया गया है इतनी ज़्यादा मात्रा में। काफ़ी लोग यहाँ पर रनिंग और मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके से इस वाटर बॉडी के किनारे किनारे होते हुए मैं पहुँच गई हूँ कांगला फोर्ट के दूसरे गेट के सामने, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ मुझे सामने कुछ दिलचस्प चीज़ दिखाई दी है, चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है।
2022 के मणिपुर संगाई फेस्टिवल का ये बैनर है जो कि 21 से 30 नवंबर के बीच में हुआ था। संगाई डियर या संगाई हिरन मणिपुर का एंडेमिक हिरन है दुनिया में, ये यहीं पर पाया जाता है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है। इस फेस्टिवल में आने का मेरा भी बहुत मन है, ऐसे कल्चरल फेस्ट मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉन्चिंग ऑफ ऐप बेस्ड पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम। ये जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं मणिपुर के, उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, और ये एक साइकिल स्टैंड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा। इन साइकिलों के रंग भी काफ़ी दिलचस्प हैं, और ऐप बेस्ड है तो मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वो ऐप नहीं है। और अब हम सामने पहुँच गए हैं पार्क के, चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कंगला नॉन्गपोक तोरबान के अब हम सामने पहुँच चुके हैं, और इसके विजिटिंग आवर्स 5:30 AM से स्टार्ट हो जाते हैं, तो लगता है कि इसके अंदर जाने को हमें मिल जाएगा। एंड दिस इज इम्फाल, माई सिटी माई प्राइड, हाउ हैप्पी इज़ योर सिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम 9th November 2022। हाउ हैप्पी इज़ योर सिटी, एक्चुअली ये बहुत जानना ज़रूरी है अपनी वेलबींग के लिए, या फिर GDP वगैरह तो ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस क्वेश्चन अच्छा रहे, वेलबींग हो, ये सब भी बहुत ज़रूरी है, और आजकल काफ़ी ज़ोर इस पर दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है उसी सिलसिले में ये हाउ हैप्पी इज़ योर सिटी कोई एक इनिशिएटिव हो सकता है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन एक बार मुझे समझ में आ गई है कि सुबह की सैर करते करते हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जो मुझे बिल्कुल अपने टाइप की जगह लग रही है। और सुबह की सैर के बारे में यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कई बार नए शहरों में जाते जाते मेन टूरिस्ट जगहों को ही हम कवर कर पाते हैं, और हम उस शहर का जो इसेंस है उसको समझने में कहीं चूक जाते हैं। तो सुबह की सैर करते करते कांगला फोर्ट के सामने से गुजरते हुए, और मुझे उस वाटर बॉडी का भी बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी जिसको फॉलो करते करते मैं यहाँ तक पहुँच पाई, क्योंकि उसके दूसरी साइड को बहुत अच्छे पेड़ लगे हुए थे और सूर्योदय हो रहा था, और सूरज की जो छाया है वो लगातार उसके पानी में पड़ रही थी, और उसको हर जगह से देखना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो उसको फॉलो करते 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 मैं यहाँ तक पहुँच गई, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ये लैम्प पोस्ट भी बहुत खूबसूरत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अब आपको इसको रिवर्स करती हूँ और आपको लैंप पोस्ट दिखाते हुए आगे ले चलती हूँ। नो योर HIV स्टेटस, द ओनली वे टू नो योर HIV स्टेटस इज बाय टेस्टिंग ओनली, विजिट द नियरेस्ट ICTC एंड गेट टेस्टेड टुडे। इम्फाल नदी के किनारे कांगला फोर्ट और ये पार्क बना हुआ है, पर जो नदी है वो आपको नदी के जैसे दिखती नहीं है, बल्कि उसने एक नाले की शक्ल अख्तियार कर ली है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो अब इस कांगला नॉन्गपोक तोरबान से हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिलचस्प चीज़ हमें नज़र आती है। इम्फाल नदी को क्रॉस करके हमने एक लेफ़्ट टर्न ले लिया है, और अभी मैं जिस गली में आई हूँ इसमें फ़िलहाल तो केवल सब्जी के कुछ खोपचे ही दिखाई दे रहे हैं। न्यू चेकॉन ब्राइटर रोड, इम्फाल ईस्ट मणिपुर। इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट दो अलग अलग ज़िले हैं, तो इम्फाल वेस्ट से होते हुए हम इम्फाल ईस्ट में पहुंच चुके हैं। इस रोड में चलते चलते एक ट्राइबल मार्केट नज़र आ गया है, बहुत सारे सब्जी की शॉप्स यहाँ पर खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं। कुछ बहुत नई सब्ज़ियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। Thank you.
ये दिस इज व्हाट आई थांगलो आई थांगलो। खाने पीने की चीज़ों की ज़बरदस्त वैरायटी यहाँ दिख रही है। बहुत सारे तरीके के मसाले हैं, बीज है, हरी सब्जियों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसके अलावा मशरूम है, अंडे हैं और स्क्वॉश वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं। या दिस इज़ व्हाट Yongcha. And this is chili. आपको हिंदी आती है? हिंदी आती है? नहीं, इंग्लिश? इंग्लिश आती है? But this is interesting market. You know Hindi and you know English. Huh? खांगदे ये क्या कह रही है? What is she saying? English language. Okay. I don't know. Nang Manipur language. I don't know. Chap man ship. एक और दिलचस्प चीज़ दिखाई दी है यहाँ पर, कच्ची राजमा बिक रही है। और कच्ची राजमा को देखिए छील करके मटर के दानों की तरह निकाल करके रखते हुए आपको कई लोग यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको तो हिंदी आती है, थोड़ी आती है? इतनी तो काफी है, आती है, काफी है इतना बताने के लिए। मणिपुरी खाने में अलग अलग स्वाद और सुगंध के जो जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और ऐसा लगता है कि कुछ हर्ब्स यहाँ पर रखी हुई दिख रही है। नो मंथा सब्जी कंगाऊ सब्जी एंड दिस इज सोए सब्जी एंड दिस इज ऑल्सो सब्जी। ज़्यादातर औरतें ही यहाँ पर सब्जियाँ बेच रही हैं। और इस बाज़ार में 1000 तरीके की चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में जान पाना किसी भी हाल में संभव नहीं है। क्या है ये? वेज। अरे ये आंवला आंवला कैंडिया ये क्या है? ये अच्छा आंवले का वो है, क्या चीज़ है? दवाई है, बीपी का। इसको कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं?
बॉइल करो पानी तो ट्राइबल मार्केट में सब्जियों की और खाने पीने की दूसरी चीज़ों की और मसालों की जो डाइवर्सिटी दिखी उसको देख करके मन बिल्कुल खुश हो गया। और जो एक बायोडाइवर्सिटी का ख़जाना है हर जगह हर इलाके में हमारे देश में, उससे एक रूबरू होने का मौका भी मिला और उसमें से बहुत सारी चीज़ों को मैंने पहली बार देखा। और चूँकि लैंग्वेज का एक थोड़ा बैरियर रहता है इसलिए मुझे ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं लग पाया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो मुझे अपने इमीडिएटली काम की लगी वो मैंने वहाँ से ले भी ली है। इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये छोटे वाले केले हैं और अनानास का स्क्वॉश है और थोड़े से राजमा, कच्चे राजमा भी मैंने ले लिए हैं। तो ये सभी चीज़ें यहीं पर ही कंज्यूम भी हो जाएंगी। जाते जाते इस बाज़ार ने, इस ट्राइबल मार्केट ने जो हमारी सुबह की सैर थी उसमें चार चांद लगा दिए, उसको बहुत ही एक रिच एक्सपीरियंस हमें दे दिया। तो चलिए दोस्तों, अब वापस मैं अपने होटल की तरफ निकलती हूँ और आपको भी बाय बाय कहने का समय आ गया है। तो दोस्तों, इम्फाल की सुबह को मुझे लगता है आपको भी फील करने का एक मौका इस वीडियो ने दिया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें, मुझे हमेशा ही आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आपको अलविदा कहती हूँ। अलविदा, बाय बाय, शब्बा खैर, अपना बहुत 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 ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्का ये ज़िंदगी। बाय।